नोएडा सेंट्रल के कोतवाली बेसरख पुलिस को समय एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा एक में 5 सितंबर को मर्चेंट नेवी के ऑफिसर के घर हुई डकैती में शामिल पंखिया गिरोह के बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। एक 25,000 के नामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बदमाश पंखिया गिरोह का सदस्य राजू पुत्र लल्लन है, जो कि मर्चेंट नेवी के ऑफिसर के घर हुई डकैती में शामिल था। बिसरख पुलिस के द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे एक बदमाश जिसका नाम राजू है, वह शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। एक बदमाश फरार हो गया है, जिसके लिए पुलिस पार्टी काउंटिंग कर रही है।